15 में क्या लिखा हुआ है, एक बॉक्स आपके पास, बॉक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स कंटेन 4 दैट आर डिफेक्टिव। ट्रांजिस्टर का उसमें 4 जो पीसेज हैं वो डिफेक्टिव पीस हैं, 5 दैट आर नॉट डिफेक्टिव, 5 जो है उसमें नॉट डिफेक्टिव है। हाउ मेनी वेज कैन इंस्पेक्टर चूज 5 ट्रांजिस्टर सो दैट 4 आर डिफेक्टिव। वो बोल रहे हैं कि बताओ, एक इंस्पेक्टर है जो जाहिर सी बात है इंस्पेक्ट करेगा कि ये चीज़ ठीक है या नहीं, ठीक है। अब वो इंस्पेक्ट कर रहा है, बताओ कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें से 4 जो है वो डिफेक्टिव हो। इंस्पेक्टर ने 5 चूज़ किए और उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, मतलब एक सही है बाकी 4 गलत हैं, इसकी पॉसिबिलिटी आप बताओ क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखो, 5 आपके पास नॉट डिफेक्टिव हैं, 4 आपके पास डिफेक्टिव हैं। इंस्पेक्टर ने चूज़ किए 5, ठीक है, पॉसिबल। अब इंस्पेक्टर ने 5 चूज़ किए, ठीक है, जिसमें से 4 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं और ऑब्वियसली एक जो होगा वो नॉट डिफेक्टिव होगा, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी निकालनी है, देखो टोटल 4 डिफेक्टिव हैं, 4 में से 4 चूज़ करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक ही होगी। भाई देखो, 4 डिफेक्टिव हैं, उनको आप कितने तरीके से चूज़ कर सकते हो, अगर आपने चारों को चूज़ करना है तो एक ही तरीका है कि 4 डिफेक्टिव हैं, चारों को ही आप चूज़ करोगे तो एक ही तरीके से आप चूज़ कर सकते हो ना, ज़्यादा तरीके तो हैं ही नहीं इसके, ठीक है। अब उसने एक नॉट डिफेक्टिव चूज़ किया ना, अब एक नॉट डिफेक्टिव चूज़ होने की पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास, 5 से 1, कि टोटल 5 आपके पास नॉन डिफेक्टिव हैं, ठीक है, उसमें से अगर आप एक चूज़ करोगे तो टोटल 5 तरीके आपके पास कि लेट कर लो नॉन डिफेक्टिव ट्रांजिस्टर 1, 2, 3, 4, 5। या तो आप 1 को सेलेक्ट करो इसमें से, मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर को सेलेक्ट करो, एक पॉसिबिलिटी, इसको करो, इसको करो, इसको करो और इसको करो, टोटल 5 पॉसिबिलिटी हैं आपके पास। तो 5C1 क्या होता है, 5 के बराबर ही होता है। अच्छा, दोनों को आपने एक साथ चूज़ किया ना, टोटल 5 चूज़ किए आपने, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, आंसर क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। 16 में लिखा हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 2 ग्रीन बॉल्स। एक बॉक्स है आपके पास, 2 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स, 3 जो हैं वो रेड बॉल्स हैं, एंड अ ब्लैक बॉल, एक जो है वो ब्लैक बॉल है। 3 बॉल्स आर पिक्ड, आपने 3 बॉलों को पिक्ड किया, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज डिजायर, मतलब तीनों बॉलों में से आप एक एक चूज़ करो। देखो, 3 बॉल पिक करनी है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि तीनों कैटेगरी में से आप एक एक बॉल पिक करो, ये इनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी कि मैं ग्रीन से भी एक बॉल पिक कर रहा हूँ, रेड से भी एक बॉल पिक कर रहा हूँ और ब्लू से भी एक बॉल पिक कर रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब देखो, सवाल को सिंपल तरीके से आपने सॉल्व करना है, आपने हर एक में से एक एक बॉल चूज़ करनी है, तो 2 ग्रीन बॉल में से अगर आपने एक बॉल चूज़ करनी हो तो इसके कितने वेज हैं, ऑब्वियसली 2 ही वेज हैं भाई। अगर 2 ग्रीन बॉल पड़ी है उसमें से आपने एक उठानी है, तो लेट कर लो ग्रीन बॉल नंबर 1 आपने उठा ली, एक तरीका, ग्रीन बॉल नंबर 2 उठा ली, 2 तरीके, तो 2 ही तरीके हैं आपके पास। इसी तरह रेड बॉल से अगर आपने 3 उठानी है, तो लेट कर लो रेड बॉल नंबर 1 आपने उठा ली, एक तरीका, रेड बॉल 2 उठा ली, 2 तरीके, रेड बॉल 3 उठा ली, 3 तरीके। तो 3 तरीके से आप चूज़ कर सकते हो एक बॉल को, ठीक है। और एक बॉल, एक ब्लैक बॉल में से अगर आपने वही चूज़ करनी है तो भाई उसका एक ही तरीका है कि आप एक ही बॉल चूज़ कर लो। सबको एक साथ आपने चूज़ करना है ना, तीनों एक साथ चूज़ करनी है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ जाएगा। तो टोटल आपके पास कितने वेज आ गए, 6 वेज आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद 17 में लिखा हुआ है, हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 men एंड 4 women इफ पर्टिकुलर वुमेन इज ऑलवेज इंक्लूडेड। देखो, अगर एक वुमेन का पवा है कि उसको हमेशा इंक्लूड करना है, आपने बनाने हैं टोटल, देखो 8 मर्द हैं और 4 ख्वातीन हैं, और आपने कमेटी बनानी है 5 पर्सन की कमेटी बनानी है आपने, ठीक है। इस तरीके से बनानी है कि पर्टिकुलर वुमेन, कोई एक वुमेन जो है वो हमेशा इंक्लूड करना है, मतलब वो समझ लो, मतलब उसका बहुत बड़ा रेफरेंस है, आपने लाजमी उसको इंक्लूड करना है। देखो, अगर 5 बंदे आपने चूज़ करने थे, एक को आपने लाजमी चूज़ करना है, तो उसका मतलब आपके पास 5 सीटें नहीं हैं, आपके पास सिर्फ कितनी रह गई हैं, 4 सीटें रह गई हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर वुमेन जो है वो लाजमी सेलेक्ट करनी है, उसके अलावा तो 4 ही नहीं है ना। तो 5 बंदों में से एक तो पहले सेलेक्ट है, अब 4 आपने बेसिकली सेलेक्ट करने हैं इसमें से, ठीक। लेकिन 4 वुमेन थी, उसमें से एक तो लाजमी आप सेलेक्ट करोगे, वो तो निकल गई, बाकी कितनी बचेंगी, 3 वुमेन बचेंगी। तो अब आपने सेलेक्ट क्या करना है, आपने 8 मर्दों और 3 औरतों में से 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक वुमेन तो लाजमी सेलेक्ट हो गई, 5 बंदे करने थे, एक सेलेक्ट हो गई तो 4 बंदे रह गए, और एक वुमेन जब लाजमी सेलेक्ट हो जाएगी कितनी रह जाएंगी, 3 रह जाएंगे। तो अब है 8 men 3 women में से आपने 4 चूज़ करने हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी किस तरह निकालोगे, देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप 8 मर्दों में से, ऐसे इस तरह नहीं लिखेंगे, 8 मर्द हैं उसमें से आप 4 के 4 मर्द ही चूज़ कर लो,
और उसमें से कोई भी विमेन चूज़ ना करो, ठीक है। मैं पॉसिबिलिटी बताता हूँ आपको। देखो, एक कमेटी अगर आप बना रहे हो, सबसे पहली चॉइस क्या है आपके पास, चार बंदे आपने चूज़ करने इन लोगों में से। तो पहली पॉसिबिलिटी ये कि आप चार के चार मर्द चूज़ करो और कोई भी विमेन चूज़ ना करो। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि चार आपने मर्द चूज़ किए, विमेन इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। अब दोनों एक साथ आपने चूज़ कर रहे हो ना, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि मैंने चार मर्दों को चूज़ किया आठ मर्दों में से, और किसी भी औरत को चूज़ नहीं किया तीन औरतों में से, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी। और देखो, अब प्लस क्यों आ रहा है, प्लस इसलिए आ रहा है कि या तो मैं ये चूज़ करूँगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं तीन मर्दों को चूज़ करूँ आठ में से, और ये उर्दू वाला, और मैं एक औरत को चूज़ करूँ, एक वुमेन को चूज़ करूँ, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये आ जाएगी, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं दो मर्दों को चूज़ करूँ और दो औरतों को चूज़ करूँ, फिर एक मर्द को और तीन ही तीन औरतों को करूँ। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि चार औरतें तो हैं नहीं ना, तीन औरतें हैं। अब चार औरतों को तो आप चूज़ ही नहीं कर सकते, तो ये आपके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो अब समझ लो कि प्लस क्यों आ रहा है। देखो, या तो मैं इस तरह चूज़ कर सकता हूँ चार मर्द, या मैं तीन मर्द एक औरत इस तरह चूज़ करता हूँ, या मैं दो मर्द तीन दो वुमेन इस तरह चूज़ कर सकता हूँ, या मैं ये वाला चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे, सब प्लस होंगे, क्योंकि या आ रहा है, और इंग्लिश वाला और उर्दू वाला या, आपस में मल्टीप्लाई इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप सबको एक साथ चूज़ कर रहे हो ना, तीन मर्दों को एक औरतों को एक साथ चूज़ कर रहे हो, चार की कमेटी बनानी है ना, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। देखो, 8C4 आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो, 8C4 आपके पास आएगा 70 के बराबर, ठीक है। अगर आप इसको निकालोगे आंसर 1 ही होता है, ठीक है। 8C3 आप निकाल लो, 56। 3C1 भी क्या होगा, 3 के बराबर होगा, ठीक है। फिर 8C2 निकाल लो आप, 28 के बराबर है। 3C2 क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। फिर 8C1 क्या होगा, 8 के बराबर ही होगा, और 3C3 ये भी बराबर होगा 1 के, ठीक है। 3C3 या 3C0, मतलब ये दोनों सेम हो जाए या R0 हो जाए, तब आंसर 1 ही होता है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा 70। 56 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 168। 28 को अगर 3 से करोगे तो आएगा 84 प्लस 8, ठीक है। अब सॉल्व करो, 60 प्लस 168 प्लस 84 प्लस 8, तो ये आ रहा है 330। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है 5 men 6 women, 5 मर्द हैं और 6 औरतें हैं, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल फॉर कमेटी वर्क। आपने कमेटी सेलेक्ट करनी है, 5 मर्द और 6 आपके पास वेमेन हैं। इफ़ अ कमेटी इज़ टू बी कंसिस्ट ऑफ 4 पीपल, हमने जो कमेटी मतलब चूज़ करनी है वो 4 लोगों की होनी चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कमेटी कैन बी फॉर्म सो दैट इट विल बी कंसिस्ट ऑफ इंटायरली ऑफ मैन। वो बोल रहे हैं कि हुआ क्या है, 5 मर्द हैं और 6 औरतें, पहली चीज़। आपने क्या करना है, आपने 4 लोगों की कमेटी चूज़ करनी है, इस तरीके से चूज़ करनी है कि इट विल कंसिस्ट ऑफ इंटायरली ऑफ मैन, कि उसमें सारे मर्द ही होने चाहिए, औरतों वाला सीन तो ख़त्म हो गया। अब देखो, टोटल 5 मर्द थे, आपने कमेटी बनानी है 4 लोगों की जिसमें सब मर्द हैं, मतलब 4 आपने चूज़ करने हैं, 5 मैन हैं और आपने 4 चूज़ करने हैं मैन, ठीक। अब जब चूज़ की बात आ जाए तो कम्बिनेशन होगा। अब 5 में से 4 मर्दों को चूज़ करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 5 के बराबर ही होगी। तो सवाल स्ट्रेट अवे सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 90 में लिखा हुआ है, एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट आपके रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3-डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म विद 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो, डिजिट आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने करना क्या है, इन डिजिट में से आपने ये जितने आपके पास क्या बोलेंगे डिजिट है ना, इससे आपने नंबर बनाना है। कैसा नंबर, 3-डिजिट पॉजिटिव होल नंबर, 3-डिजिट पॉजिटिव होल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 2, 2, 4, ये 3-डिजिट पॉजिटिव होल नंबर है। इसमें डिजिट रिपीट हो सकते हैं, मतलब 2, 2, 4 भी हो सकता है, लेट से 4, 4, 4 ऐसे भी हो सकता है, डिजिट रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसे कितने नंबर आप 3-डिजिट पॉजिटिव होल नंबर बना सकते हो, तो 3-डिजिट 3 आप इस तरह लिख दो, ठीक है। अब अगर आपने लेट से 3-डिजिट नंबर बना रहे हो ना, पहली प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, देखो पहली प्लेस पे आप 6 में से कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्लेस पे आप 5 करते अगर रिपीटेशन अलाउ ना होती, यहाँ रिपीटेशन अलाउ है, इसका मतलब है अगर आपने कोई यहाँ चूज़ कर लिया उसको दोबारा आप चूज़ कर सकते हो, तो दोबारा आपके पास 6 ऑप्शन है, फिर दोबारा आपके पास 6 ऑप्शन है, तो 6 6 6 कितना होगा,
216 होंगे। तो इन 6 डिजिट में से आप 216 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर बना सकते हो, जिसमें रिपीटेशन अलाउ होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन द 52 कार्ड्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक बी अरेंज इन अ रो। ठीक है, देखो आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स में से उन्होंने बोला है कि आप हाउ मेनी वेज, मतलब तरीके बताओ कि इन 52 कार्ड को आपने रॉ में अरेंज करना है। तो याद रखना, अगर आपके पास 52 पर्सन हैं या 52 कार्ड्स हैं, कुछ भी हैं, उनको आपने रॉ में अरेंज करना है, तो 52 फैक्टोरियल वेज होंगे। ठीक है, और अगर आपने 52 कार्ड या 52 बंदों को सर्किल में अरेंज करना है, राउंड टेबल में अरेंज करना है, लेट्स से, तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है 52-1। तो यहाँ पे आपको रॉ में करना है, तो 52 फैक्टोरियल आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 21 में क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीचर अरेंज 4 आउट ऑफ 8 चिल्ड्रन इन अ रो। वो बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने चिल्ड्रन को अरेंज करना है। कितने चिल्ड्रन को? 4 चिल्ड्रन को उसने अरेंज करना है आउट ऑफ 8। ठीक है, अब वर्ड अरेंज का आ गया, इसका मतलब है आपने परमोटेशन जहन में रखना है। 8 में से 4 लोगों को आपने अरेंज करना है, तो 8P4 हो जाएगा। बस इन सवालों में ये कि आपने ये पता करना है कि भाई कहाँ P लगेगा कहाँ C लगेगा। तो अरेंज का वर्ड आ गया, तो इसका सिंपल सा वर्ड है कि आप 4 बंदों को आपने अरेंज करना है टोटल 8 में से, तो N8 हो जाएगा। R क्या है, चूज़ कितने करना है आपने, 4 करना है। तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से 1680 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 22 में लिखा हुआ है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड फसी। देखो एक वर्ड है फसी, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसकी अरेंजमेंट मालूम करनी है। अरेंजमेंट क्या हो सकती है भाई, एक ये है, एक इस तरह होगी AFSI, एक क्या हो सकती है AFIS। ठीक है, इस टाइप की आपने अरेंजमेंट मालूम करनी है। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर एक वर्ड आपके पास लिखा हुआ है और उसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा लेटर, और उसको आपने अरेंज करना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि जितने लेटर हैं उतना फैक्टोरियल, 4 लेटर हैं तो 4 फैक्टोरियल, लेट से अगर 5 लेटर होते तो 5 फैक्टोरियल वेज होते। ठीक, अगर कोई रिपीट हो रहा होता उसकी कहानी अलग है, वो आपको 7.2 से पहले मिल जाएगी बुक में लिखा हुआ डिटेल में। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा लेटर और उसको आपने अरेंज करना है, तो जितने लेटर हैं उतने फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 लेटर थे, 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम।